नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं पीएन पटेल आपके सामने .com पब्लिकेशन के बुक में से सेकंड चैप्टर के 2 मार्क्स के सेक्शन सी के क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। अपना पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है जो 8वें क्रम पे है। वृद्धि और विकास में किसको मापना सरल है और क्यों? तो वृद्धि को मापना सरल है और विकास को मापना कठिन है। वृद्धि में सिर्फ परिणात्मक परिवर्तन होते हैं इसलिए सरलता से माप सकते हैं, लेकिन आर्थिक विकास में परिणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है वो ज़्यादा होता है। यानी अगर संक्षिप्त में बोलना हो तो वृद्धि में सिर्फ परिणात्मक परिवर्तन होता है और विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसलिए आर्थिक वृद्धि को मापना सरल है लेकिन आर्थिक विकास को मापना बहुत ही मुश्किल है। ये मिटा देना, परिणात्मक जो है वो गुणात्मक परिवर्तन ही लिखना है। जैसे कि प्रजा के मनोवैज्ञानिक विचारों में परिवर्तन, ये प्रजा लिखा है, जैसे कि प्रजा के मनोवैज्ञानिक विचारों में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन इत्यादि को मापना बहुत ही मुश्किल है। एक गुणात्मक परिवर्तन है और इनको माप सकते नहीं है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि के उत्पादन विधेय को समझाइए। ये सिर्फ सूत्र है, इसको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं और आपको समझ में आ जाएगा। सूत्र है क्यू बराबर एफ ब्रैकेट में एल के एल बी टी। क्यू का मतलब है कुल उत्पादन, एफ का मतलब है विधेय, एल का मतलब है जमीन, के का मतलब है पूंजी और एल बी यानी श्रम और टी यानी यंत्र विधि या टेक्नोलॉजी और अन्य परिबल। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है? तो आर्थिक वृद्धि में वास्तविक राष्ट्रीय आय में और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा है उत्पादन के साधनों की पूर्ति और उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए। आर्थिक वृद्धि स्वयं संचालित और स्वाभाविक होनी चाहिए। स्वयं संचालित का मतलब है क्योंकि विकास की शुरुआत में थोड़ा तकलीफ रहती है, पर एक बार जो वृद्धि हो जाती है फिर वो स्वयं संचालित हो जाती है। जैसे कोई सामान्य एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि भाई कोई बच्चा है उसको लिखना नहीं आता है और फिर उसको लिखना सिखा दो तो ये वृद्धि हुई, अब वो स्वयं संचालित हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा, उसके लिए खुद स्वयं करेगा तो वो उसे आर्थिक वृद्धि कही जाती है। बाकी हर चीज़ के लिए उसको बताया जाए तो वो आर्थिक वृद्धि मानी जाती नहीं है। उत्पादन में वृद्धि निरंतर प्रगतिशील और टेक्नोलॉजी पर आधारित होनी चाहिए। जो उत्पादन निरंतर बढ़ता है वो प्रगतिशील होना चाहिए, यानी जो अधोगति रूप नहीं होना चाहिए और टेक्नोलॉजी पर आधारित होना चाहिए। अगर इतनी बातें हैं तो आर्थिक वृद्धि अच्छी तरीके से हो रही है, ऐसा आपने कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि भाई जीवन की भौतिक गुणवत्ता में कौन सी 10 बातों का समावेश होता है? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता में 10 बातों का समावेश होता है। उसमें पहला है कि भाई भोजन यानी कैलोरी, प्रोटीन और चर्बी, ये तमाम चीज़ें आ जाए ऐसा भोजन मिलना चाहिए। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं यानी प्रति जनसंख्या पर डॉक्टर का प्रमाण, आवास एवं कपड़े, शिक्षा एवं मनोरंजन, परिवहन एवं दूरसंचार की सेवाएं, ऊर्जा शक्ति, देश की जनसंख्या को प्राप्त पीने का शुद्ध पानी, औसत आयु, बाल मृत्यु दर का अनुपात और ड्रेनेज यानी कि गटर की सुविधाएं। तो ये 10 मुद्दों का समावेश होता है। अगर कोई भी देश में अगर ये 10 मुद्दे श्रेष्ठ हैं तो उसका मतलब ये है कि उस देश ने अच्छी तरह से आर्थिक विकास किया है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंक PQLI की सकारात्मक बातें बताइए। PQLI के प्लस पॉइंट बताओ। तो PQLI में मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बातों का समावेश होता है। दूसरी बात है, प्रति व्यक्ति आय के निर्देशक की तुलना में PQLI भी श्रेष्ठ है, प्रति व्यक्ति आय की तुलना में, वो आगे मैं बता चुका हूँ। दूसरी बात है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में
पुरुषों में PQLI का आधार पर तुलना कर सकते हैं, यानी कि दो राज्यों के बीच भी तुलना कर सकते हैं, दो शहरों के बीच भी तुलना कर सकते हैं, इस तरह कंपेयर करने के लिए PQLI भी उपयोगी है। और दूसरा पॉइंट एक पे राष्ट्रीय आय में की तुलना में PQLI निर्देशक की मर्यादा बहुत ही कम है। राष्ट्रीय आय में माइनस पॉइंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि PQLI में माइनस पॉइंट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।